कैसे हैं सारे? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग में हम क्या करेंगे, हम सफ़र करेंगे। यहाँ पे जो है हमारी सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं, हाईवे रोड देख के समझ सकते हैं कि हम लोग जो है गाड़ी में बैठ गए हैं और निकल चुके हैं अपनी सफ़र की। और तो कहाँ जा रहे हैं आप में से कितने लोग गेस कर सकते हैं, बताइएगा जरूर कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, कमेंट में लिख के। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे ना खेत है, पूरे ये गन्नों के खेत हैं। तो आगे जो है आज ना जगह जगह पे बहुत ना लंगर लगा हुआ था, तो हमको भी ये लंगर का खाने का मतलब प्रसाद छकने का अवसर मिला और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। और आज हमारे साथ ना, मैं शायद दिखा नहीं पाई, अजीत सर भी थे। एक्चुअली उन्हें कल ही जो है दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ना था पठानकोट से, बट दिल्ली से वो की जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई पठानकोट से, तो इसलिए वो भी हमारे साथ थे, पर पूरे सफ़र में नहीं, वो सिर्फ हाफ़ सफ़र में हमारे साथ थे। तो अम्बाला तक ही थे हमारे साथ, फिर अम्बाला में हमने उनको जो है ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ अपने रास्ते की मतलब रास्ता पकड़ लिया हमने और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। तो आगे हम जो है चलेंगे एक जगह जहाँ पर गुड़, कहाँ गए हम लोग, आ रखे हैं अभी इस वक्त यहाँ पे गुड़ बनाए जाते हैं। देखिए ये लोग ना गुड़ बना रहे हैं, ये देखिए ये बना गया, हाँ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे, आ रही हो बस। यह गाड़ी से उतरती नहीं है कभी भी ना, जब मैं उसको लेके आती हूँ। देखिए यहाँ पे ना इतना टेस्टी टेस्टी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो फिर मैंने इन लोगों से पूछा कि मतलब गुड़ कहाँ पे बन रहा है, तो उन्होंने बताया कि किस तरफ जो है गुड़ का मैल है और किस तरफ रस है, अभी वो खुद ही बताएंगे। देखिए यहाँ पे ना पूछते हैं, चलिए इनकी लेते तो अच्छा वो खुश हो कुछ भैया। अच्छा ये गन्ने का मैल है, अच्छा तो रस रस ही पक रहा है। अच्छा ये पक रहा है, अच्छा 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 देखो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इनकी, बहुत ही एकदम फ्रेश वाले हैं ये। हाँ ले लो, ये देखिए यहाँ पे ले लेते हैं। और ये देखिए इन लोगों ने ना जो गन्ने का रस निकलता है उसके बाद जो गन्ना सूख जाता है उसी का यहाँ पे भूसा ढेर लगा रखा है। और देखिए उनकी तकनीक, देखिए जो चूल्हा जल रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो चूल्हा जल रहा है और उसी में ये गुड़ का रस पका रहे हैं और उसके बाद गुड़ बना रहे हैं। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा लेके जाती हूँ इस साइड पर, देखिएगा कि यहाँ पर एक दूसरा भैया जो बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, और वो जो है ना उसी गुड़ के, ये देखिए यहाँ पे चूल्हा है और ये जो भूसा है उसके अंदर डाल रहे हैं और उसी से जो है चूल्हा जल रहा है, देखिए। और यहाँ पे चारों तरफ जो है गन्ने के एकदम बढ़िया बढ़िया खेत हैं और गन्ने के जो है खेत दिखे और पंकज गन्ना ना लेने जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए यहाँ से गन्ना लेके आए और जो है गन्ना खा रहे हैं और उनको बहुत मज़ा आ रहा था, हालांकि उन्होंने पूरा नहीं खाया। और सिया को जब उन्होंने गन्ना खाने के लिए दिया तो सिया को बेचारी को गन्ना खाना आया भी नहीं, वो गन्ना ऐसे खा रहे थे जैसे चॉकलेट खाते हैं ना बच्चे, ऐसे से खा रहे थे। फिर उसके पापा ने बताया कि गन्ना कैसे खाना है, देखिए सड़क के पार आर इस साइड सभी जगह ना यहाँ पर बस गन्नों के जो है खेती खेत है, चारों तरफ हरियाली, मतलब ये लहलहाते गन्नों के खेत। और ट्रक भी अभी तो ये सामने खाली है लेकिन जो ट्रक भी मिल रहे हैं ना सब गन्नों से भरे हुए खेत हैं। ये देखिए ये कैसे खा रही थी गन्ना अभी तो, फिर भी उसके पापा ने बता दिया, ऊपर से ऐसे बाइट ले रही थी जैसे कोई बिस्किट या चॉकलेट खाते हैं। तो फिर अब हम जो है आगे बढ़ चुके हैं और काफ़ी आगे बढ़ गए, अब हम पहुंच गए हिमाचल में। ये देखिए इसी तरह का गेट, जो लोग पठानकोट में हिमाचल में रहते हैं आपको पता होगा कि इसी तरह के गेट उस तरफ भी बना हुआ है जहाँ पर हम नागनी माता जाते हैं। अब हम पहुँचे के हैं कालाम, पहुँच चुके हैं हिमाचल में, हमने एंट्री ले ली है तो काफ़ी थक चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो अब, क्योंकि सफ़र इसके बाद हमारा मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या टू आवर का रह जाता है, तो यहाँ पे आके जो है हम लोग रेस्ट करते हैं। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती, मेरा कैमरा बंद हो गया था एक्चुअली, मैं दिखा रही थी कि गवर्नमेंट स्कूल में इतने बच्चे भरे हुए हैं आजकल कि पूछिए मत। मुझे नहीं पता कि मतलब वहाँ पे अब फैसिलिटीज़ अच्छी है या कोविड की वजह से, लेकिन बच्चे बहुत भर गए हैं गवर्नमेंट स्कूल में सच में। और ये देखिए अब हम, ये मतलब हमारा ना घुमाव वाला रास्ता बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं नाहन।
नाहन हम पहुंचने वाले हैं। देखिए पहाड़ दिख रहे होंगे आपको सामने, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे, घुमावदार रास्ता दिख रहा है। तो हम नाहन पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लास्ट टाइम भी जब भाई की शादी में आए थे और जब दिवाली में आए थे तो एक जगह रुके थे हम वहाँ पर ब्रेक के लिए, तो यहाँ भी अभी रुकेंगे। चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। अभी हम लोग जो है यहाँ पे नाश्ता पानी के लिए रुके हैं, चाय पानी के। लास्ट टाइम भी जब दिवाली में आए थे हम लोग, हाँ दिवाली के टाइम तो यहीं रुके थे। सिद्ध वैष्णो ढाबा है, आज ट्यूजडे है, तो देखते हैं चाय पीते और कुछ खाते हैं, थोड़ा वॉशरूम भी जाते हैं। भाई साफ़ होता है इनका वॉशरूम ना, लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे तो साफ़ होता है काफ़ी, इनका वॉशरूम साफ़ होता है और रेस्टरूम भी अच्छा है, साफ़ सुथरा काफ़ी अच्छा है। सिया को उठा रहे हो, उठने की हुए देखिए यही हालत होती है, ये देखिए इसकी हालत ऐसे ख़राब हो जाती है और ये गाना गा रहे हैं बहुत ही, क्या बोलो अब मैं। तो अभी हमने चाय का और मोमोज का ऑर्डर दिया है और पराठे के लिए बोल रखा है भैया को, अभी लेके आएंगे भैया। तब तक आ चुके हैं हमारे पराठे, गोभी के पराठे और चालू के, अभी वो लेके आ रहे हैं गोभी के पराठे आया है, तो चलो खाते हैं इसको, ये हरी धनिया की चटनी के साथ। ये मोमोज का आनंद ले रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है, जो भी खाना था, जो भी था आ चुका था, तो हम लोग खा रहे थे और मेरी चाय ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, है ना, आप लोग ले सकते हैं। और मेरे से तो ये पराठा ये सब ना बिना चाय के पिया नहीं जाता है, खाया नहीं जाता मतलब, तो मैंने दोबारा से फिर से चाय मंगा ली थी और रिफ़िल कर लिया था चाय। हो गया अब खाना पीना निकल, हमने ले लिया ब्रेक, हमारा ओवर हो गया मतलब कि, और हम चल पड़े हैं वापस अब अपनी सफ़र की तरफ, मतलब मंजिल की तरफ, सफ़र मतलब शुरू कर दिया और अपनी मंजिल की तरफ वापस चल पड़े हैं। और यहाँ से ना थोड़ा सा घुमाओ मतलब टर्न वाला रोड आता है, मतलब ये नाहन का है, क्योंकि नाहन टू नाहन के लिए मतलब ऊपर जाता है। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आज हम उजाले में आए हैं तो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, मोड़ है थोड़ा सा ना, तो यहाँ थोड़ा हम धीरे ही चलते हैं, वैसे काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। चलिए फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मोड़ है थोड़ा और ऊपर नाहन की पहाड़ियाँ काफ़ी सुंदर लग रही है इस समय। हम पहुंच चुके हैं नाहन, मतलब नाहन तो ऊपर है, हम ये रोड में आ गए हैं। देखिए ये रोड जो है सामने को जाता है देहरादून और ये ऊपर को जो रास्ता जाता है ये जाता है नाहन की तरफ। नाहन यहाँ से 5 किलोमीटर है और हमने पकड़ लिया अब देहरादून हरिद्वार ये वाला रोड। ये रोड जो है हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश को जाता है, तो अब हम जो है चल पड़े हैं देहरादून की तरफ। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा रास्ता घुमाव है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिया को काफ़ी तकलीफ़ होती है। और नीचे की तरफ ना यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, मैं कभी गई नहीं हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड में जो स्कूल है, ये नवोदय विद्यालय है, कि ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो मतलब होनहार विद्यार्थी होते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन होती है, है ना, तो यहाँ पर वही होता है उनका बोर्डिंग वोर्डिंग सब कुछ ही होता है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को ना नाहन की जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखाने की कोशिश कर रही थी, मतलब एक असंभव प्रयास था मेरा, मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि दिन के उजाले में ही देख सकते हैं, रात में तो देख नहीं सकते। और ये जो सामने दुकानें दिख रही हैं ना, यहाँ पे ना पराठे मिलते हैं, मतलब ना पराठे चाय मिलते हैं इधर, यहाँ मतलब 3-4 दुकानें हैं एक साथ ही और सभी में मिलते हैं और बहुत टेस्टी पराठे मिलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ से देखिए मैं कोशिश करूँ, ये देखिए जैसे हमारे देहरादून से मसूरी दिखता है ना, वैसे ही बिल्कुल इस जगह से जो है ये आपको देखिए नाहन दिखाई देगा। एक दो बार गए थे हम लोग पंकज के साथ, है ना, पंकज और मैं गए थे। और अब हम पहुंच चुके हैं पौंटा साहब, देखिए अब यहाँ से क्योंकि हिमाचल ख़त्म होगा तो इसलिए ख़त्म में भी मतलब जो है एंडिंग ऑफ हिमाचल में भी इसी तरह का गेट बना हुआ है, पौंटा साहब है यहाँ पे, है ना, तो आप लोग भी मतलब जो है माथा टेक लीजिए। इस साइड पे मैं आपको बताऊं कि पौंटा साहब है यहाँ पे और सामने की जो पहाड़ियाँ दिख रहे हैं वहाँ पर बाबा भूरे शाह जी की मजार है। मान्यता ऐसी है कि आप दिल से वहाँ पे सच्चे मन से जो भी मांगे वो आपको ज़रूर आपकी मुराद पूरी होती है। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये यमुना नदी है, यमुना नदी यहाँ पर बहती है। और अब हम पहुँच चुके हैं आसान बराज। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे यहाँ पे स्कूल से या घर से जो है पिकनिक आते थे तो कहते थे कि ये डाक पत्थर कहते थे, लेकिन इस जगह को वैसे ये डैम का एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी को रोका गया और जैसा होता है ना डैम के इलाके में। और ये इस समय ना पानी बहुत कम है यहाँ पे, वरना अदरवाइज़ यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ से
यहाँ पे मैं जो नदी है यहाँ पे ना बाहर के माइग्रेंट पक्षी बहुत आते हैं इस समय, लेकिन मैं दूसरी साइड पे बैठने के कारण आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और अब हम जो है इस समय पहुँच चुके हैं प्रेमनगर। आपने देखा होगा कि हम जब पौटा साहब में थे उस समय कितना उजाला था, लेकिन बीच में सहरसपुर सेलाकोई में इतना भीड़ होता है, इतना रश होता है कि ट्रैफिक में फंसते फंसते यहीं पे देखिए हमें, मतलब हमारे में कहते हैं रिमझिम अंधेरा होना, तो वैसे अंधेरा हो चुका है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। और इस जगह को तो आप लोग पहचानते होंगे जो मेरे लोकल मतलब उत्तराखंड के जो व्यूवर्स है, और अब तो बाहर के लोग भी सभी लोग जानते हैं इस बिल्डिंग से कोई जो है अपरिचित नहीं है। आईएमए की बिल्डिंग थी ये, है ना, कि साइड में खेत्रपाल स्टेडियम भी मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया था। और अब हम जो है गड़ी पहुंचने वाले हैं, गड़ी यानी कि हमारे घर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। और देखिए जगह जगह पे जो है ट्रैफिक लाइट्स है, ट्रैफिक रूल है, इसीलिए पंकज को ना पठानकोट में गाड़ी चलाने में काफ़ी मतलब दिक्कत आती है उनको। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है, और काफ़ी काफ़ी सुंदर है अंदर से। और अब तो यहाँ पे कॉलेज भी खुल चुका है बच्चों के लिए। और यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं बल्लीवाला चौक आ गए हैं हम लोग। और यहाँ पे भी देखिए जगह जगह, फिर यहाँ पे भी हमें ट्रैफिक में मतलब जो है लाइट में हम, क्योंकि जगह जगह सभी जगह ट्रैफिक लाइट है तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और देखिए रोशनियों से भरा हुआ शहर कितना सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है इस समय। और ये देखिए यहाँ पे ना विक्रम चलते हैं अभी भी, लेकिन मुझे लगता है कुछ दिनों में ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिक बोलते हैं ना वो वाली बसें चल पड़ी हैं। और अब हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। और साइड में देखिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सामने ना वो है फायर स्टेशन भी है यहाँ पे, और ये ONGC वालों की बिल्डिंग है यहाँ पे, जो उनका ऑफिस है ना वो बिल्डिंग है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग। GOPIC वालों की भी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे। बहुत ही मतलब जो है अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत सारी नई दुकानें भी खुल गई, और ये देखिए यहाँ पे एक शोरूम भी खुल गया है, ठीक है जी। और ये बिग वे है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, खूब बढ़िया होती है यहाँ की कॉफ़ी। और ये है ब्रिज स्वीट शॉप है, पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो इस जगह को ललती हलवाई की दुकान ऐसा कहा कर मतलब बोला जाता था, लेकिन वैसे अब इस दुकान का नाम ब्रिज स्वीट शॉप है। और यहाँ की मिठाई भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उतनी दिन जितनी दून बर्फी की होती है हमारी उतनी तो खैर वो नहीं। और ये हमारा गड़ी का मेन मार्केट है, सब्जी मंडी सब कुछ। और मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया, और अब हम पहुँच चुके हैं घर। घर पहुँचते ही सबसे पहले जो है ये काम, पिछली बार ना आप लोगों को अगर याद होगा तो यहाँ पे ना काम चल रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे इसको फ्लोर को पक्का किया जा रहा था, पक्का तो था मतलब ये टाइल से लगाई जा रही थी, और ये गेट का वर्क चल रहा था। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम घर पहुँच चुके हैं। घर में गेट में लिखा हुआ है राधा कृष्ण निवास लिखा हुआ है, और मम्मी खड़ी थी हमारे स्वागत के लिए, हमारे वेलकम के लिए मम्मी खड़ी थी, और डैडी इस वक्त पूजा में थे, है ना। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पंकज आ रहे हैं अब, तो आप लोगों को घर के अंदर लेके चलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आए काफ़ी ठंड थी, मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, और विनीता की मम्मी भी मिल गई थी मुझे गेट में। विनीता की मतलब मम्मी मतलब विनीता में जो मेरी स्टूडेंट वो अब रहते हैं ना हमारे घर में रहते हैं ऊपर, तो वो भी मुझे मिल गई थी। तो पंकज यहाँ पे आके कहते हैं कि गाड़ी काफ़ी खुश हो गई होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि उसको बेचारी को पंजाब में अपने UK 07 वाला कोई नंबर मिलता नहीं, यहाँ पे आके उसको अपने भाई बंधु मिल जाते होंगे, तो ऐसा कहते हैं। ये देखिए तुलसी का मठ हमारा, और फूल ये देखिए नातिन और नानी मिलते हुए। और ये देखिए मम्मी का क्रिसमस ट्री यहाँ पे लगा हुआ है, क्रिसमस ट्री मम्मी ने अपना डेकोरेट कर दिया है, और राधा कृष्ण जी साथ में हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर, काफ़ी ठंड हो रही है। और ये आ गई है हमारी विनीता, और वो लेके आई थी हमारे लिए गरम गरम पकौड़े, वो देखिए कैसे मुँह छुपा के भाग गई, तो बहुत ही टेस्टी औसम पकौड़े बना के लाई थी हमारे लिए। बहुत ही टेस्टी बने, तो जो खाना ना खाए, तो अब सीढ़े फिर सीढ़ गए, सीढ़ गए कैसा मेरे से सीढ़ गए, बहुत ही टेस्टी है। मैं हाल में गुड़ भी है। मैं लोगों ने अच्छा ऐसा काम करो कि मैं आलू दे देती हूँ, तेल दे देती हूँ, बेसन है तेरे पास, मैं बेसन करने बनाते आऊँ, मैं तो चावल क्या क्या बनाती हूँ। पार्टी चल रही है हम लोगों की, ये विनीता बना के लाई है हमारे लिए, विनीता पापा मम्मी ने, हाँ पापा मम्मी ने, देखो सारे पार्टी खा रहे हैं, बहुत टेस्टी सिया किस तरह से, बहुत ही मजा है ना, बहुत ही टेस्टी हो रहा है। तो मैं खाती हूँ ये,
ऑसम, बहुत ही टेस्टी है। बोली तो ऑफिस वाला ना, मैंने बात करी है तीनों से। हां हां, मोटे करा था जो आए बड़ी को ते कमल में बसे बसे तो मोटे करा था। ऑसम हां हां, वाओ हां, बहुत टेस्टी। हां ना ना उले बातो तो पूछ रही थी वो। चल भैया, हम लोग इसका आनंद लेते हैं। वाओ, ओके, ध्यान रख। तो चलिए जी, हम लोग अपना डिनर का आनंद लेते हैं, जो कि विनीता गरम गरम बना के लाई है, उसके मम्मी पापा ने भेजा है। और सिया का, उसकी नानी कह रही थी कि वो बिस्तर से नहीं उठ रही, क्योंकि वो हॉट कंबल में बैठ रखी है, वो कुछ इलेक्ट्रिक कंबल होता है ना, उसी में बैठ रखी है। तो बच्चे, वो आपको पता ही, उनको ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो हम लोग इन्जॉय करते हैं, आप लोग भी इन्जॉय करिए। और ये देखिए सिया को, इसीलिए नहीं उठ रही, वो यहाँ पर बैठी हुई है। तो चलिए, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।